पॉइंट देखो, देखो ये सेवेंथ पॉइंट क्या दिया है इसमें, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। किस बेस पे देंगे इसको देखो, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस को देखो, क्या था बेस, क्या लिया था बताओ। देखो इसका बेस लेना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, देखो अमाउंट कितना है इसका, कोई बताएगा मेरे को इसका अमाउंट कितना है। 750 है इसका अमाउंट। यस मैम, अब यस मैम, देखो रेशियो क्या हो जाएगा इसका, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मतलब 4:3:2:1। किसी का माइक, हाँ म्यूट कर लो माइक अपने, तो 4:3:2:1 में करेंगे तो 750 को डिवाइड करोगे पहले किससे करोगे, सेवन फिफ्टी को डिवाइड करो 10 से, 75 बेस हो गया अपना, 75 × 4 करो कितना होगा 300, फिर 75 × 3 करोगे 225, फिर से यस मैम, 75 × 2 150 वन फिफ्टी और 75 × 1 75। सेवेंटी नेक्स्ट देखो 8 पॉइंट, फिर फायर इंश्योरेंस दिया है, देखो फायर इंश्योरेंस दिया है क्या, इसका क्या बेस लेंगे फायर इंश्योरेंस, ब्रैकेट में देखो स्टॉक दिया है, अगर ब्रैकेट में स्टॉक है तो हम वैल्यू ऑफ स्टॉक पे लेंगे, देखो नीचे स्टॉक का मूल्य दिया है तो बेस रहेगा आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक। अमाउंट देखो कितना है इसका, 2500 दिया है, वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो क्या आएगा देखो 30:18:12, बाकी उसमें नहीं दिया है तो उसमें नहीं डालेंगे सर्विस में स्टॉक को, तो ब्रैकेट में लो यहाँ पे 30:18:12। इसको और सिंपलीफाई करूंगी तो क्या होगा बताओ, 6 से करोगे तो 6 5 जा है ना, 6 3 जा देन 6 2, आ रहा है समझ को मैं क्या बेस ले रही हूँ। देखो 5:3:2 मतलब 10 हो गया, तो 2500 को डिवाइड करोगे 10 से तो कितना हो जाएगा बेस, देखो 250 होगा और उस 250 को × 5 करोगे ये, तो ये हो जाएगा 1250, फिर 250 × 3 करोगे 750 और फिर 250 × 2 करोगे तो 500, 250 × 2 करोगे तो ये हो जाएगा 500। किसी को डाउट है यहां तक, नो मैम, नो तेरे मैम, किसी को भी कहीं डाउट है तो बताओ। चलो बैक क्वेश्चन 1 देखते हैं अब, है ना, ये तो कल यहाँ पे लेफ्ट किया था, ये कंप्लीट हो गया। हाँ इसको टोटल जरूर करना लास्ट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल करना आप लोगों का, तो इस कॉलम का टोटल कितना आ रहा है देखो 10950, नेक्स्ट वाले कॉलम का टोटल देखो आ रहा है 7990, इसके बाद वाले कॉलम का टोटल है 5560 और इसका है 2600। देखो टोटल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब अपन इसको बेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, देखो अगर मैं इसको बेस वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है अभी फर्स्ट, जब ये डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद ये जब टोटल आ जाता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद जब ये टोटल आ जाता है और जो सर्विस डिपार्टमेंट होता है, देखो ये सर्विस डिपार्टमेंट में जितना भी रहेगा, जैसे एक है डिपार्टमेंट, इस अमाउंट को सर्विस डिपार्टमेंट की अमाउंट को जब मैं फिर से प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी मतलब
मतलब ए में बी में सी में, तो वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है? सेकेंडरी, याद रखना। ये अभी हमने किया प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के पास के बाद सर्विस का अमाउंट हम फिर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोडक्शन में, वो कहलाता है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसलिए टोटल इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब बैक क्वेश्चन वन निकालो सब जल्दी से अपने बुक में। देखो एक कंपनी है, फोर डिपार्टमेंट्स, ए बी सी प्रोडक्शन है। तो देखो ए बी सी प्रोडक्शन में आ गया, डी सर्विस है, ये कॉस्ट है। देखो तो पहले देखो क्या दिया है, रेंट दिया है। तो रेंट को किस पर देते हैं अपन? एरिया पे देंगे। रेंट को बेस ले लो एरिया। टोटल अमाउंट कितना दिया है रेंट का? देखो 1000 दिया है, उसको एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये एरिया रेशियो देखो दिया है 75, और 35 है। देखो 25 दिया है ना, कितना है अमाउंट देखो आप लोगों का? हाँ बी का 25, हाँ 25, 75, 55, 45 और 25, टोटल कितना है आपका? 200 कितना? 200 हाँ। तो इसमें कितना आएगा ए में? ए में 375 आया। फिर सी का 275 आ रहा है आप लोगों का, ठीक है? यस मैम। फिर कितना आ रहा है देखो? सी का 225, सी का 225, और डी में आ रहा है आपका 125। अगर किसी को रेशियो के बेस में समझ में नहीं आ रहा है तो देखो राजू में एरिया लिखा है, ये एरिया 75:55:45:25, ये था इसका बेस। अब नेक्स्ट देखो सेकंड, रेंट के बाद आएगा आप लोगों का रिपेयर आएगा। रिपेयर का रेशियो आप लोग लेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट, और वैल्यू ऑफ प्लांट पे रेशियो है 12963, ठीक है? 12963, तो रिपेयर का ये है वैल्यू ऑफ प्लांट पे लेंगे इसको। अब देखो टोटल अमाउंट कितना दिया है रिपेयर का? 600 दिया है। तो 600 को डिस्ट्रीब्यूट करोगे इस रेशियो में 12963, तो अमाउंट आएगा आपका इसका आ जाएगा 240, फिर आएगा 180, फिर कितना आएगा बताओ? 120, और यहाँ पे आएगा आप लोगों का 60। डी का 80 80 नहीं 60। किसी को डाउट है यहाँ तक? रिपेयर्स के बाद देखो डेप्रिसिएशन है, किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछ सकते हो। डेप्रिसिएशन को किस पे देंगे? प्लांट पे ही देंगे, सेम रेशियो आ जाएगा 12963, वैल्यू ऑफ प्लांट पे आएगा ये भी। इसका अमाउंट है डेप्रिसिएशन का देखो 450 है, 450 को आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आएगा 180, 135, फिर करोगे तो आ जाएगा 90, और फिर आएगा आपका 45। सेम इधर 4 डेप्रिसिएशन। लाइट लेंगे आप लोग, लाइट को किस पे लेंगे आप लोग? एरिया पे लेंगे, जो फर्स्ट क्या था 75, 55, 45 और 25 के रेशियो में जाएगा। अमाउंट कितना दिया है देखो लाइट का? 100 दिया है, तो 100 को डिवाइड करोगे तो आएगा 37.50। यही आ रहा है? फिर आ जाएगा आपका 27.50, फिर आएगा 22.50, और फिर से आएगा आपका 12.50। ये हो गया लाइट। लाइट के बाद आएगा आपका सुपरविजन।
सुपरविजन में देखो नंबर ऑफ वर्कर्स पे लेंगे आप लोग, कितना आएगा उसका अमाउंट है देखो 1500 है, नंबर ऑफ वर्कर्स देखो कितने आपके हैं, उसी से रेशियो बनेगा ये 12864, मतलब 2 से अगर करेंगे तो 26 हो जाएगा, फिर 24 23 और 22 है ना, तो 6 4 3 2 में आ जाएगा, 1500 में आ जाएगा 600 400 300 और यहाँ आ जाएगा 200। कहीं पे डाउट है यहाँ तक किसी को? नो मैम। क्लियर है? 6 देखो अब, सुपरविजन के बाद क्या आएगा? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस किस पे लेना है बताई थी मैं, बताओ। वेजेस पर बेटा, वो एम्प्लॉयज इंश्योरेंस को वेजेस पे लेंगे। देखो दो इंश्योरेंस है मैम, प्लांट वैल्यू पे। हाँ, प्लांट वैल्यू पे लेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट पे। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना ना एग्जाम में, कौन सा इंश्योरेंस ध्यान देना। वैल्यू ऑफ प्लांट मतलब 12963 पे आएगा ये। अमाउंट कितना है देखो इसका, इंश्योरेंस का 500 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा आप लोगों का 200, फिर हो जाएगा 150, 100 और हो जाएगा 50, नहीं एक सेकेंड गलत डाल दी क्या अमाउंट, देखो ये 200, 150, 100, ये हो जाएगा 50। फिर सेवेंथ में आएगा आपका इंश्योरेंस के बाद एम्प्लॉयज इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज इंश्योरेंस को मैंने बताया है वेजेस पे लेना है अपने को, कितना अमाउंट देखो वेजेस का, सॉरी इसका एम्प्लॉयज इंश्योरेंस का अमाउंट है 150, यहाँ पे देखो ये एम्प्लॉयज इंश्योरेंस 150, तो 150 को किस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वेजेस पे। वेजेस कितना दिया है देखो नीचे, टोटल वेजेस 4321 दिखा सबको, 4321 वाला मतलब 4000 में दिया है उसको, 4:3:2:1 ये देखो ये वेजेस 4321 कितना आएगा अमाउंट बताओ, 60, 45, 30, 10, 15। एम्प्लॉयज इंश्योरेंस के बाद क्या बचा, पावर। पावर को किस पे देना है, वैल्यू ऑफ प्लांट पे देंगे आप लोग पावर को, ट्वेल्व नाइन सिक्स थ्री आपका रेशियो है, कितना अमाउंट है पावर का देखो 900। अब यहाँ पे देखो इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो कितना आएगा 360, 270, फिर क्या है देखो 180 और फिर है अपना 90। यहाँ तक किसी को डाउट है कोई? बताओ यहां तक डाउट है किसी को? नो मैम। अच्छा देखो ये क्वेश्चन कराने का सिंगल रीजन क्या था, अब ये क्वेश्चन सिलेक्टेड है एक पॉइंट की वजह से, उसको सब ध्यान में रखना। किसी ने टोटल किया था, किसी ने टोटल किया यहां का?
अब देखो यहाँ पे, मेरा वॉइस क्लियर है ना सबको? देखो ये जो डेटा दी हुई है चार डिपार्टमेंट्स की, ये देखो एरिया दिया है तो ये कोई अमाउंट नहीं है। फिर देखो वर्कर्स, ये तो नंबरिंग में दिया। अब देखो वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, ये सब एसेट्स होता है, पता है कि नहीं पता है? प्लांट और स्टॉक क्या होता है? एक तरीके का एसेट होता है, है ना? अब देखो वेजेस, वेजेस एसेट में आता है कि लाइबिलिटीज में आता है? किसी में नहीं आता है, वो तो एक्सपेंस है। हाँ वो तो जैसे ये एक्सपेंसेस है, जैसे ये एक्सपेंसेस हैं, वैसे ही वेजेस भी क्या है? एक्सपेंस है। देखो बार बार मैं एक चीज रिपीट करती हूँ कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, कि जिसको हम पहले प्रोडक्शन में भी देंगे, सर्विस में भी देंगे, और फिर एट द एंड हम क्या करते हैं कि सर्विस के अमाउंट को भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये बताई हूँ मैं पॉइंट आप लोगों को। अब देखो वेजेस आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है, दिया है कि नहीं दिया है? ठीक, यस मैम। अब वेजेस देखो ऑलरेडी एलोकेटेड है, इसमें चार है, इसमें तीन है, इसमें दो है और इसमें एक है, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है। तो जो चीज ऑलरेडी एलोकेटेड है उसको इसमें नहीं लेंगे, उसको इसमें नहीं लेंगे, किसमें? ए बी सी में, क्योंकि ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिर्फ सर्विस में लेना, कितने का दिया है सर्विस में? देखो 1000 दिया है यहाँ पे, ये देखो 1000 डी में दिख रहा है क्वेश्चन में? देखो यस मैम, ये वाला सिर्फ ले लिया क्योंकि जब हम सेकेंडरी करेंगे तो सर्विस के अमाउंट को इसमें देना पड़ेगा, इसलिए सिर्फ ये लिया। चलो टोटल करो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सिर्फ इस वेजेस की पॉइंट की वजह से, एग्जाम में आएगा तो ध्यान देना। इसके सामने स्टार का साइन बना लो, इंपॉर्टेंट कर दो ब्रैकेट में। एग्जाम में देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व नहीं करना है, आप लोग उसके पॉइंट को टेक कर दो कि इसमें ये वाला देखने लायक है सिलेक्शन में, और एक एम्प्लॉयज इंश्योरेंस को सिलेक्ट करना क्योंकि उसका हमने बेस लिया था वेजेस। आ रहे समझ में? यस मैम, यस मैम। ठीक है, चलो टोटल आ गया। हाँ टोटल बताओ कितना आया बेटा? 20 मैम, 205 2.5 आया है ए का। हाँ बी का 148 2.5, एक मिनट, और सी का 705। एक एक करके है ना, सी में कितना बोल रहे हो? 106 7705। हाँ मैम 10 आएगा, है ना? ठीक है, और डी का कितना आया मैम? डी का 15975 97.5.5। ठीक, देखो डाउट कहीं पे भी? मोनिका, गजाला, जिज्ञासा, वंदना, बेटा कहीं डाउट है किसी को? मैम एक बार 9 वाला बता देना, वेजेस वाला रिपीट कर दीजिए। ये वाला, ये देखो, ये देखो, ये डेटा दी हुई है ना? अब देखो एरिया, ये कोई अमाउंट नहीं है, वर्कर्स भी नंबर में दिए, संख्या में दी गई है ना? और क्या दिया गया है? देखो वेजेस, वेजेस नॉर्मल एक्सपेंस जैसा है, ठीक? तो और प्लांट और स्टॉक तो एसेट्स होते हैं, हमने इसमें कौन से लिए? जो एक्सपेंसेस हैं, जो विभाग से संबंधित एक्सपेंस है हमको वो लेना है, तो इसमें सिर्फ एक वेजेस दिया गया है। देखो वेजेस को ऑलरेडी एलोकेट किया है, ए का इतना है, बी का इतना है, सी का इतना है, डी का इतना है, इसलिए क्या किया अपन, जब अपन ये बना रहे हैं चार्ट, तो मैंने बार बार बताया है कि जब अपन इसको एलोकेट कर देते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, डी वाले को फिर से यहाँ पे लेके आएंगे। मतलब डी का मतलब है सर्विस से, सर्विस का जो भी अमाउंट होगा वो अपन आखिरी में प्रोडक्शन में डालेंगे, जब क्वेश्चन में देगा करने के लिए तब, अभी नहीं पूछा है तो नहीं कर रहे हैं। तो
इसलिए आंसर को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला सिर्फ सर्विस को दे देंगे, क्योंकि जब कोई आगे क्वेश्चन देगा कि क्वेश्चन नंबर वन को बनाओ सेकेंडरी से, तो हम फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जैसे प्राइमरी मेथड है, तब अपन सॉल्व करेंगे इसको सेकेंडरी मेथड से, तब क्या करेंगे अपन जो सर्विस का अमाउंट है ये सब इधर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिर से। तो इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ वेजेस को अभी कहाँ दिया, सर्विस में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। ये देखो आया समझ में? यस मैम। कहीं और डाउट है किसी को? ठीक है।